हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप शकरपारे कैसे बना सकते हो जैसे हलवाई बनाते हैं। बिल्कुल हलवाई वाला जो सेम तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही मार्केट में बनाता हूं और बहुत इजी तरीका बताऊंगा आपको सभी को। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते सो हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी के चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले जो बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शकरपारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके लिए एक बाउल चाहिए जिसमें हमें मैदा गूंदना है। तो मैदा चाहिए हमें 200 ग्राम। मैंने 200 ग्राम मैदा यूज़ किया है। कुछ लोगों ने बोला था कि कप और मेज़रमेंट जो ग्राम है ग्राम में बताइए और कप में भी बताइए मेज़रमेंट। तो पिछली बार कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, इसलिए मैं आप सभी को इस बार बता रहा हूँ सही से। ये जो 1/4 चम्मच मैंने इसमें 200 ग्राम मैदे में बेकिंग पाउडर डाला है, इससे क्या होता है कि मैदा को हल्का कर देता है ये, बिल्कुल फुला के थोड़ा सा। तो मैंने 1/4 चम्मच डाला है और इसको खस्ता हम करने वाले हैं घी से। अमोनिया का यूज नहीं कर रहे, तो मैंने घी डाला है 1/4 कप, मतलब कि 50 ग्राम मैंने इसमें घी डाला है और 50 ग्राम ही मैंने इसमें पानी डाला है, यानी कि 1/4 कप घी और 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। उसके बाद एक जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर लेना है। हलवाई क्या करते हैं, पानी और घी वगैरह सब कुछ मेजर करके तौल के डालते हैं, तो उसके बाद हमें बाद में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर बाद में बीच बीच में पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि कभी घी में मिक्स होता है कि नहीं होता है कोई पता नहीं, तो उसमें कभी कभी शकरपारा कहीं टाइट होता है तो कहीं खस्ता होता है, इस वजह से हो जाता है। अब हमें इसको कवर करके एक लिफाफे से या किसी भी चीज़ से इसको कवर करके कपड़े से इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे ताकि जो ऑयल है हमारा वो गर्म रहे। तो अब मैंने गैस अभी ऑन नहीं किया है और मैंने डाल दिया है यहाँ पे ऑयल, जो भी आप ऑयल खाते हो यूज़ कर सकते हो फ्राई करने के लिए। तो अभी मैंने ऑन नहीं किया है गैस को। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले डो को हम बनाएंगे और इसका हम इसको पीसेस में कट करेंगे शकरपारे के। तो जब ये बिल्कुल कट हो जाए तो फ्राई करने के 2-3 मिनट पहले आप गैस को ऑन कर दें। तो अब ये जो डो है इसको बिल्कुल अच्छे से एक पेड़े की तरह बना लेना है, जैसे आप रोटी का पेड़ा बनाते हो ना उस तरीके से आपने बना लेना है, ताकि हम इसको अच्छे से बेल सकें। अब ये देखिए बेलने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसको बेल लेते हैं। और बिल्कुल बेलने के बाद हमें जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा रखना है, बिल्कुल हमें पतला नहीं करना है। और उसके बाद देखिए थिकनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद जो बीच में क्रैकिंग्स हैं वो बिल्कुल रहने देना है, क्योंकि ये क्रैकिंग्स की वजह से ही हमारे जो वो शकर पारे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट खस्ता होंगे। अब इसको हम कट करेंगे पीसेज में, तो जो भी साइज़ में आप कट करना चाहो इसको आप काट सकते हो। हम उस साइज़ में काट रहे हैं जैसे मार्केट में काटा जाता है। मार्केट में आपने जैसे देखा होगा कि जो साइज़ में काटा जाता है और जो साइज़ में शकर पारा मार्केट में मिलता है, उस साइज़ में मैं इसको काट रहता हूँ। छोटे छोटे स्क्वायर पीसेज में मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो आप जो भी साइज़ में आप काटना चाहते हो, या बड़े छोटे या फिर आप जो भी पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हो। और हाँ, जो ये साइड वाले हैं इनको निकाल लेना, तो ये ऑयल को ख़राब करते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल में जाके टूट जाते हैं तो ऑयल जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और उसको हम दोबारा से दबा के दोबारा से बेल लेंगे। और उसके बाद जो हमारे शकर पारे बिल्कुल कट के रेडी हो चुके हैं, इसको हम उठा के एक प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे और इनको बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे कि ताकि ये जुड़े ना, और वो वैसे ये जुड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी, आपस में चिपकेंगे नहीं। अब ये बिल्कुल रेडी है, हम इसको फ्राई करते हैं चल के। तो हमारा जो ऑयल है वो मैंने 2 मिनट पहले ऑन कर दिया था और लो फ्लेम पे ऑन करना है। तो मैं एक पीस इसमें डाल के चेक कर रहा हूँ कि ऑयल जो है वो कितना गर्म है। तो देखिए अभी बिल्कुल बहुत कम गर्म है, हल्का हल्का जो बबल्स है ये देखिए आने लग गया है। तो इतना ही गर्म हमें चाहिए, क्योंकि इसको खस्ता बढ़िया से करना होता है, तो इसीलिए कम गर्म चाहिए होता है। तो अब मैं इसमें सारे डाल देता हूँ और उसके बाद जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे रखेंगे। कढ़ाई को मैं इसलिए हिला रहा हूँ ताकि जो नीचे है वो चिपके ना, क्योंकि गैस ऑन है, लो फ्लेम पे मैंने ऑन कर रखा है। तो जब तक ये सारे तैरते हुए ये ऊपर ना आ जाए तब तक हमने इसको टच नहीं करना है। तो लो फ्लेम ही रखना है जब तक ये सारे ऊपर ना आ जाए, ये ऑयल के ऊपर जब तैरने ना लग जाए तब तक आपने लो फ्लेम पर ही इसको रखना है। अब मैं एक पीस उठा के देख रहा हूँ इसको टच करके, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर मैं इसको टच करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा तो ये टूटने लग जाएंगे। तो इसलिए अब क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे कर दूंगा जब ये सारे ऊपर आ जाएंगे तब। अब ऊपर आ चुके हैं तो मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे हल्का हल्का ये
थोड़ा सा स्किन जो इसकी जैसे ही टाइट हो जाती है, तो उसके बाद इसको हम ऐसे ही टच कर सकते हैं जैसे मैं इसको कर रहा हूँ। बीच में से उठा के इसको मैं साइड में डाल रहा हूँ ताकि जो बीच वाला वो पक रहा है, और इसको हम साइड में डालते जाएंगे ताकि जो साइड वाले हैं वो भी पक जाए अच्छे से। देखिए बिल्कुल स्किन जो है इसका थोड़ा टाइट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। 5 मिनट इसके लिए काफ़ी होता है, लो फ्लेम पर पकाना है। इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है क्योंकि ये जो शकरपारा है ये बिल्कुल वाइट रखना होता है, और वाइट रखने के लिए हमें इसको लो फ्लेम पे पकाना होता है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। और हाँ, जब ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाए तो 1 मिनट पहले आप इसका जो गैस है वो हाई फ्लेम पे कर दे ताकि जो ऑयल है ये इसमें अब्जॉर्ब ना करे और ऑयल निकल जाए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिया मैंने, और उसके बाद ये हमारा जो परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और उसके बाद बनाएंगे इसमें चाशनी। तो देखिए वही कढ़ाई मैंने बिल्कुल धो के रेडी कर लिया है, अब इसमें हम चाशनी बनाएंगे। तो मैं इसमें 1 कप मतलब आधा कप पानी डाल रहा हूँ और 1 कप मैं इसमें चीनी डालूंगा, यानी कि 200 ग्राम मैंने चीनी डाला है और 100 ग्राम मैंने पानी डाला है। तो जितना मैदा यूज़ कर रहे हो आप उतना ही आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो। हलवाई इससे ज़्यादा करते हैं क्योंकि मैं खुद मार्केट में बनाता हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा ही करता हूँ क्योंकि मार्केट में ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है चाशनी, और जब घर पे कम क्वांटिटी में बनाते हैं तो चाशनी थोड़ी कम ही बनाते हैं क्योंकि घर पे कम मीठे भी हम खा सकते हैं। और उसके बाद चाशनी को साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर इसमें डाला है। इससे क्या होगा, चाशनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बिल्कुल वाइट हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी हमारी चाशनी। आप चाहो तो चाशनी को दूध से भी साफ़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस वगैरह हुआ आपके पास तो वो डाल सकते हो उसके बाद। तो मैंने इसमें डाल लिया है। अभी हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 1 मिनट तक अगर आप पकाओगे तो ये 1 तार की चाशनी बन जाएगी। तो 1 तार की जो चाशनी है वो हमारे पास रेडी है। हल्की सी तार बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा तार ना बने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, शकरपारे जो है हमारे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने सारे शकरपारे जो है वो डाल दिए है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चाशनी है वो अब्जॉर्ब हो जाए। चाशनी फुल गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल उबलती हुई चाशनी होनी चाहिए, तब गैस बंद करके आप इसमें शकरपारे डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा गर्म चाशनी होती है उतनी जल्दी ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो इनके अंदर तक जो चाशनी है वो चली जाएगी बिल्कुल, ये चाशनी बिल्कुल इसके अंदर सारी ख़त्म हो जाएगी, और जो बची कुची चाशनी होगी वो ठंडे होने के बाद इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, चीनी का पाउडर जैसे लगा होता है ना उसके ऊपर। तो 2 मिनट के लिए इसको वैसे ही छोड़ दे, इसको ठंडा होने दे। ठंडे होने के बाद इसको हम एक बार और मिक्स करेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया ना, चाशनी जमने लग गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल चाशनी जमने लग गई है। इसको वापस से हम इसके ऊपर मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको हम फिर से मिक्स करेंगे। इसको बीच बीच में 2-2 मिनट के बाद आपको करीब मिक्स करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिक्स करते रहेंगे ना तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तो इसको चिपकने नहीं देना है हमें। और 2-2 मिनट के बाद इसको करते रहे, बस आपको 2 से 3 बार ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तब तक हमारी जो चाशनी है वो सूख जाएगी। ये देखिए बिल्कुल सूखने लग गई है ना, और इसकी चाशनी है वो बिल्कुल इसमें ख़त्म हो चुकी है सारी चाशनी, और ये बिल्कुल सूख के इसके ऊपर चाशनी जो है वो बिल्कुल जम चुकी है। अब इसको सूखने के बाद हम ये क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है, शकरपारे जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये चाशनी तो सूख गई लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है, हाथों में अभी जल रहा है मेरे, और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिल्कुल परफेक्ट मार्केट की तरह रेडी है। और ये इसी तरीके से मार्केट में बनाते हैं, और इसी तरीके से आप सभी को मैंने घर में भी सिखाया है कि घर में कैसे बना सकते हो। बस अमोनिया वहाँ पर यूज़ किया जाता है मार्केट में, लेकिन हम मैंने यहाँ पर घर पर बनाने के लिए अमोनिया का यूज़ नहीं किया है। अमोनिया सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। मार्केट में तो यूज़ करना, क्योंकि बिग क्वांटिटी को बनाने के लिए अमोनिया यूज़ करना पड़ता है, और छोटी क्वांटिटी तो आसानी से बन जाती है। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको खा के देख रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट, काफ़ी अच्छा है। और देखिए अब हमारा जो शकरपारा है बिल्कुल मार्केट जैसा कलर है इसका, और मार्केट जैसे ही बिल्कुल हमने बनाया है इसको। और उसके बाद मैं आपको ये देखिए तोड़ के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अंदर तक ये फूला हुआ है, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया से खस्ता है, ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, और इसमें अंदर तक बिल्कुल जाली जैसा बना हुआ है, मतलब कहीं भी कच्चा मैदा आपको अंदर नहीं दिख रहा हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ ऐसे ही अगर और हलवाई वाली रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।